श्रीनगर में कई ऐसे ऐतिहासिक रत्न भी हैं जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो महान सुंदरता के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं। उन खूबसूरत अजूबों में से एक झलक है पंडरेथन मंदिर। पंडरेथन श्रीनगर से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर है। ये मूल रूप से कश्मीर की एक पुरानी राजधानी थी और माना जाता है कि इसे राजा प्रवरसेन ने स्थापित किया था। पंडरेथन शब्द पुराने शहर से बना है। अब ये एक सैन्य छावनी है। ये शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। इसे मरुवर्धन स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। पंडरेथन मंदिर का निर्माण राजा पार्थ के मंत्री मेरु ने करवाया था, जिन्होंने 921-931 CE तक कश्मीर पर शासन किया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और झेलम नदी के तट से लगभग 100 गज की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है पंडरेथन शहर 960 CE के आसपास एक भीषण आग में नष्ट हो गया था। पंडरेथन मंदिर श्रीनगर के बादामी बाग में स्थित 8वीं शताब्दी का एक विरासत स्थल है, जिसे भारतीय सेना के चिनार कोर द्वारा संरक्षित और कायाकल्प किया गया है। पंडरेथन मंदिर की विशेषता मंदिर की छत में निहित है, जिसे चट्टान के एक टुकड़े से पिरामिड संरचना में उकेरा गया था, जबकि एक सजावटी बैंड ने इसे दो भागों में विभाजित किया था। अंदर की तरफ छत को आदर आराहत के आंकड़ों में जटिल रूप से उकेरा गया है, जो कश्मीर में प्राचीन नक्काशी का लगभग सही टुकड़ा प्रदर्शित करता है। कोने के पायलट नक्काशदारी राजधानियों से घिरे हैं और पोर्च के पेडिमेंट्स तरबूज के आकार के आभूषण के साथ समाप्त हो गए हैं। छत पत्थर के 9 ब्लॉकों से बनी है। 4 कंगनी के कोनों पर आराम करते हैं, जो एक वर्ग के उद्घाटन को कम कर देता है, और 4 पत्थरों का एक ऊपरी मार्ग अभी भी उद्घाटन को और कम करता है, जो एक बड़े कमल से सजाए गए एकल ब्लॉक द्वारा कवर किया जाता है। इस मंदिर में दिखाई देने वाली विशिष्ट कश्मीरी वास्तुकला शैली ग्रीक और गांधार बौद्ध मठ शैलियों के मिश्रण से प्रभावित है। Okay.